अमेरिका की टेंशन कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ उत्तर कोरिया है तो दूसरी तरफ ईरान ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। हालात ऐसे हैं कि अमेरिका को लगने लगा है कि वो खाड़ी देशों में बुरी तरह फंस चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव का नया अध्याय शुरू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच दुश्मनी अब एक नए लेवल पर पहुंचने वाली है। कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का 2024 वाला मॉडल तैयार हो चुका है। फारस की खाड़ी में इस वक्त तनाव बहुत ज्यादा है, क्योंकि ईरान ने जो दावा किया है उसके बाद पश्चिमी देशों के साथ ईरान की दुश्मनी अब डबल हो सकती है। ईरान ने दो विदेशी तेल टैंकरों को अपने कब्जे में कर लिया है। इनमें 15 लाख लीटर तेल भरा है। दोनों तेल टैंकर स्टीवन और क्राउन ये पनामा और तंजानिया के झंडों के साथ ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन तेल किसका है और किस देश तेल ले जाया जा रहा है, इसके बारे में ईरान का दावा है कि ये तेल तस्करी करके ले जाया जा रहा था। इस खबर से ईरान और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और नाटो से तनाव इसलिए फैलेगा क्योंकि फारस की खाड़ी में ईरान की नौसेना अब पूरे दबदबे के साथ ऑपरेट कर रही है। अमेरिका इसे ईरान की दादागिरी कहता है। ईरान कहता है कि अमेरिका उसके इलाके में दखल दे रहा है। कुल मिलाकर ईरान बनाम अमेरिका का ये ऐसा 100 डिग्री वाला तापमान है जिसकी वजह से पूरा पश्चिम एशिया उबाल खा रहा है। इसके पहले अमेरिका दावा कर चुका है कि फारस की खाड़ी में ईरान के ऐसे ही दो हमलों को नाकाम कर चुका है। ये ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो है। इस वीडियो को एक ड्रोन ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी को समझा जा सकता है। इस वीडियो में तेल का एक बड़ा टैंकर है। पहले इस जहाज के पीछे दो फास्ट बोट आती हैं, उसका पीछा करती हैं, फिर अचानक इन फास्ट बोट्स की तादाद 10 हो जाती है। गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे से इस शिप को घेरने की कोशिश करने वाली ये 10वीं फास्ट बोट, ये ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की फास्ट बोट है और ये फारस की खाड़ी में ऐसे ही एक्टिव रहती है। ईरान पर जब भी अमेरिका का दबाव बढ़ता है वो प्रेशर का जवाब इस समुद्री इलाके में डबल प्रेशर से देता है और फिर टारगेट पर वो जहाज होते हैं जो अमेरिका से किसी भी नाते से जुड़े हुए हो। इस इलाके में ऐसा होता रहता है, ऐसा आए दिन होता रहता है। ईरान अपने समंदर में दखल बर्दाश्त नहीं करता और फौरन कार्रवाई करता है। जब भी कोई शिप उसके हिस्से वाले समंदर में दाखिल होता है तो ईरान फास्ट बोट से लेकर हेलीकॉप्टर तक तैनात करता है। अगर कमांडो एक्शन की नौबत आए तो ईरान उससे भी पीछे नहीं हटता। यही वजह है कि अब ईरान की कार्रवाई को अमेरिका के लिए बड़ी धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका की नौसेना दुनिया के इस हिस्से में बहुत सक्रिय है और उसका आए दिन ईरान की नेवी से भी इनकाउंटर होता रहता है। अमेरिका ने अपनी नौसेना को पर्शियन गल्फ के इलाके में तैनात किया हुआ है और यहाँ उसके कई जंगी जहाज कतर और संयुक्त अरब अमीरात के बेस की तरफ आते जाते रहते हैं। अमेरिका के इन जंगी जहाजों को भी ईरान नहीं बख्शता और कई बार इन बड़े बड़े हथियारों वाले जहाजों को भी ईरान की नौसेना धमका चुकी है। यही वजह है कि अमेरिका यहाँ पर अपना कैरियर बैटल ग्रुप भी एक्टिव रखता है। उसे लगता है कि ईरान के साथ किसी भी वक्त युद्ध की जरूरत पड़ सकती है। ईरान पर ऐसा प्रेशर बनाए रखने के बाद भी इस वक्त अमेरिका अब ईरान की शर्तों के तहत काम करने को मजबूर होता जा रहा है। अमेरिका में बाइडन की बेइज्जती की बड़ी वजह ईरान के साथ एक डील भी बन चुकी है जिसमें फिरौती के तौर पर ईरान के 48,000 करोड़ रुपए उसे वापस लौटाए जा रहे हैं। ईरान पर प्रतिबंधों के तहत दक्षिण कोरिया में उसके 48,000 करोड़ रुपए जब्त कर लिए गए थे। अब इस रकम को लौटाकर अमेरिका अपने 5 नागरिकों को ईरान से छुड़ाने के लिए डील कर चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसके लिए प्रतिबंधों में छूट देने के लिए दस्तखत कर चुके हैं। दोनों देशों के अधिकारी कह चुके हैं कि सैद्धांतिक रूप से एक समझौता हो गया है। ये ईरान के सामने एक तरह से अमेरिका का सरेंडर है और अमेरिका में विपक्ष यानी रिपब्लिकन पार्टी भी कह रही है कि ये समझौता करके अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को नई ताकत देने का काम किया है और अब इसी रकम का इस्तेमाल अमेरिका और उसके दोस्तों के खिलाफ किया जाएगा।
comes to getting Americans out of jail and back home who've been unjustly detained anywhere in the world, I'm happy to take any criticism that comes my way for that. I view it as job one to do everything I can to bring Americans home. ईरान ने अमेरिका और उसके दोस्त इजराइल को परेशान करने के लिए दूसरा बहुत बड़ा काम लेबनन में शुरू कर दिया है और इसकी वजह है दक्षिण लेबनन में बनी यह हवाई पट्टी। बताया जा रहा है कि यह हवाई पट्टी इजराइल की जमीन से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से ड्रोन उड़ाकर हमले किए जा सकते हैं। इजराइल अब इसे अपनी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहा है। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर पहले ही अमेरिका बहुत ज्यादा घबराया हुआ है और अब ईरान के ड्रोन इजराइल के और करीब पहुंच जाएंगे तो इजराइल की दहशत और ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि बाइडेन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच 20 सितंबर को एक बैठक होने वाली है। इस मीटिंग का एक बड़ा मुद्दा ईरान ही रहेगा। प्रेसिडेंट बाइडेन विल सिट डाउन विद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू of Israel to discuss a range of bilateral and regional issues focused on the shared democratic values between the United States and Israel and a vision for a more stable and prosperous and integrated region as well as to compare notes on effectively countering and deterring Iran. वहीं ईरान में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े विशेषज्ञों का दावा है कि अमेरिका और उसके दोस्तों की मदद से इस वक्त तीन देशों में उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है और वहां आतंकवादियों को ईरान के खिलाफ एक्टिव कर दिया गया है। इसमें यूरोप का देश अल्बानिया है, इसमें इराक शामिल है और इसमें पाकिस्तान का वो इलाका भी है जिससे ईरान की सरहद लगती है। इन तीनों देशों में ईरान के खिलाफ आतंकवादियों को मदद तेज कर दी गई है। معلومات اطلاعاتی ما به ما میگه که در آمریکا یک مجموعه ای رو درست کرده است دولت آمریکا. اسم این مجموعه گروه بحران است. گروه بحران کارش چیه؟ مأموریت این گروه بحران سازی است تو کشورها، از جمله در کشور ما. این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن. یہ آیت اللہ علی خامنه‌ای ہیں جو ایران کے سپریم لیڈر ہیں۔ विदेश मामलों से लेकर संचार और रक्षा से जुड़े सभी मुद्दे खामनेई के तहत आते हैं। राष्ट्रपति ईरान का कोई भी हो, यहां सिक्का सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम लीडर का चलता है और ऐसा ईरान में 1979 की क्रांति से चला आ रहा है, जब अमेरिका के समर्थन वाली शाह की हुकूमत को ईरान के लोगों ने उखाड़ फेंका था। तब से ईरान अमेरिका और इसराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता आया है। ईरान अब अमेरिका के साथ दुश्मनी को नए तरीके से भुनाना चाहता है। इसकी ईरान में घरेलू वजह भी है और इलाकाई वजह भी, क्योंकि इजराइल अब भी ईरान के लिए सबसे बड़ी क्षेत्रीय चुनौती बना हुआ है। पश्चिम एशिया में अब ईरान के दो बड़े दुश्मन हैं। इनमें पहला नंबर अमेरिका का है और दूसरा इजराइल है, जिन्हें ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती से बड़ा शौक लगा है। تو کشورها، از جمله در کشور ما، این مأموریت این گروهه که بحران سازی کنن، بگردن نقاطی را که به نظر اونها موجب می شود در کشور بحران به وجود بیاد، این نقاط رو پیدا کنن و این نقاط رو تحریک کنن. این مأموریت این گروه بحران آمریکا. ईरान अब अमेरिका को इस इलाके में बर्दाश्त नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि अमेरिका खाड़ी के आसपास अपने अड्डों से उस पर नजर रखता है और वो कभी भी ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर हमला कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं, वहां उसके बहुत ही खतरनाक हथियार तैनात रहते हैं।
यहाँ अमेरिका का F-16 भी है, F-15 भी है, F-18 भी तैनात है और मौके मौके पर F-22 और F-35 जैसे स्टेल्थ फाइटर भी अमेरिका यहाँ तैनात करता रहता है। इसमें ईरान के लिए सबसे बड़ा खतरा है कतर का अल उदैद एयरबेस, जो पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। यहाँ अमेरिका के अलावा ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स भी तैनात है। दोनों देशों के यहाँ करीब 150 फाइटर जेट और बाकी विमान और ड्रोन तैनात रहते हैं। यहीं से अमेरिका पूरे पश्चिम एशिया पर नजर रखता है। अमेरिका की ऐसी ताकत का ईरान सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब वो अपनी ड्रोन वाली ताकत दिखाकर खाड़ी के इलाकों में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। दरअसल ईरान की समुद्री सीमा के करीब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इलाका है। 2019 के बाद से शिपिंग लेन को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच काफी तनाव बढ़ा है और अब यहाँ अमेरिका और ईरान का आमना सामना करीब करीब रोज की बात है। ईरान की कमांडो टुकड़ियां अमेरिका और यूरोप के जहाजों को लेकर बहुत मुस्तैद रहती हैं और जब भी किसी को अपने इलाके में देखते हैं तो हर तरह के ऑपरेशन लॉन्च करने के लिए तैयार रहते हैं। इसीलिए इसराइल से पहले उसने अमेरिका के फौजी अड्डों को अपने टारगेट पर ले लिया है। अब ऐसा क्यों है उसे समझिए। ईरान के आसपास अमेरिकी सेना के कई मिलिट्री बेस हैं और इनमें कुल 40,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। इसमें कुवैत में 10 सैन्य अड्डे हैं और यहां अमेरिका के 13,000 से ज्यादा सैनिक हैं। बहरीन में अमेरिका ने 12 अड्डे बनाए हैं और यहां उसके 3,700 से ज्यादा फौजी तैनात हैं। सऊदी अरब में अमेरिका के 10 मिलिट्री बेस हैं और यहां 3,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। ओमान में अमेरिका के 6 अड्डे हैं और यहां उसके 600 सैनिक तैनात हैं। संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 3 अड्डे हैं और यहां उसके 5,000 सैनिक तैनात हैं। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है और यहां 13,000 अमेरिकी सैनिक रखे गए हैं। ये वो देश हैं जहां से ईरान बहुत ज्यादा करीब है। इन्हीं अड्डों को बचाने के लिए अमेरिका की नौसेना इस इलाके में अपनी मौजूदगी हमेशा रखती है। उसके एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर पनडुब्बियां और बड़े बड़े जहाज यहां से गुजरते हैं। एक तरह से ये ईरान को चैलेंज के तौर पर पेश किए जाते हैं ताकि खाड़ी देशों में अमेरिका के जितने भी अड्डे हैं वहां ईरान हमले की कोशिश करने का ख्याल भी दिमाग से निकाल दे। और यही प्रेशर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी हमेशा बनाया गया है।